Start the session. Morning and welcome, sir. Thank you, ma'am. Thank you. From CIT, so that we can also learn new things from you. Our participants are from northern region, mostly Hindi speaking belt. JNK and Ladakh people slightly prefer English, so we will use bilingual medium. The session is all yours. Right. Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone. So today we'll be, as ma'am has just told, we'll be discussing about animation. We'll try to see some different types of animations. हम अलग अलग किस्म की animations को देखेंगे, समझेंगे, और हम लोग basically animation के theoretical aspects को भी थोड़ा सा समझेंगे. मैं अपनी screen share कर रहा हूँ. That will just be... Yes. So, I think आप लोग मेरी स्क्रीन दिख पा रही है, देख पा रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग देख रहे हैं. Okay, perfect. So, this session is on animation in education, and we'll be looking at animation from the point of view of education. थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे कि education में किस तरह से animation का इस्तेमाल हो सकता है. ये बहुत ही interesting medium है. इसमें बहुत सारे possibilities हैं. और इसके अंदर एक बहुत ही फुलफिलिंग मीडियम भी है. क्रिएटिवली हम लोग सब, वी आर ऑल आर्टिस्ट्स, यू नो, व्हेन वी आर बॉर्न. पर धीरे 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 वो चीज़ें खोती जाती हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल मीडियम टू डिस्कवर योर सेल्फ. तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स जस्ट वॉच अ स्मॉल, एक छोटा सा मैंने एक 3 मिनट 4 मिनट का एक वीडियो बनाया है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस हैं. हम एक बार उनको देखते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या देखा है, एंड देन दैट विल जस्ट यू नो गेट अस स्टार्टेड. तो ये छोटा सा ही आप ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जी. समय की बात है, करता था गब्बर आराम, तभी वहां पे पुलिस आ धमकी, करने उसका काम तमाम, सरदार अब आपका खेल खत्म. When you choose to do something which benefits everyone around you, it begins to show. मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार, ओ मुश्किल में हो पशु मालिक, अश्वों पे हो अत्याचार, सुलझाने हर उलझन उनकी आ जाता वहां अश्वकुमार, अश्वकुमार. India awakes to a new life of freedom. But 2 centuries of colonial rule had decayed India from within, leaving the country ridden with poverty and hunger. Our founding fathers set out to wipe every tear from every eye. They needed a pole star, that single focal point to make India modern and progressive. Something that captured the uniqueness of the chaotic but eternally hopeful nation. Thank you.
तो हमने अभी कुछ एनिमेशंस देखी, ये डिफरेंट टाइप्स की थी, सबको पसंद आई होंगी, आई होप पसंद आई। तो इनके अंदर हमने जो देखा, इनमें देखिए, ये जो पहली एनिमेशन थी, दिस वाज अ टाइपोग्राफिक एनिमेशन। दिस यूज्ड टाइप, टाइप का मतलब फॉन्ट्स, टेक्स्ट, उसको इस्तेमाल करके हमने एनिमेशन की थी। देन देर वॉज अनदर एनिमेशन विच वॉज दिस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ 2D एनिमेशन। वील बी टॉकिंग अबाउट वट 2D एनिमेशन इज, बट अभी के लिए लेट्स जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये दिस इज अ 2D एनिमेशन। नाउ दिस इज अ 3D एनिमेशन, बट इट इज यूजिंग 2D ऑब्जेक्ट्स। एंड देन वी हैव, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ 2D एनिमेशन। और ये भी 2D एनिमेशन है, ये थोड़ी सी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, ये थोड़ी लिटरल थी, इसका सब्जेक्ट मैटर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट था। और उसके बाद में ये जो है, यहाँ पर ये जो चिड़िया है, ये 3D एनिमेशन है। एंड दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक 3D एनिमेशन। आप देखिएगा ये जी। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमने जो ये देखे थे, ये जो गिलहरी है और ये जो चूहा है, ये गिलहरी है, ये भी फोटो रियलिस्टिक एनिमेशन है। और इसके बाद में ये जो हमने लास्ट में देखा था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाइपर रियलिस्टिक एनिमेशन। दिस इज फ्रॉम अ फीचर फिल्म। इसके अंदर जो है, दिस इज इनसाइड अ गेमिंग सीक्वेंस। सो बिकॉज ये गेमिंग सीक्वेंस है, तो जो व्हेन आई एम सेइंग हाइपर रियलिस्टिक, व्हाट आई मीन इज इसके अंदर चीज़ों को एग्जैगरेट किया गया है। इसमें जो रिफ्लेक्शंस हैं वो ज़्यादा हैं, बाउंसीनेस ज़्यादा है कैरेक्टर्स की, क्योंकि ये रियलिटी के करीब है, मगर पूरी तरह रियलिटी से भी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं। तो ये हमने देखा कि कितने किस्म की एनिमेशंस होती हैं। इस वाले सेशन में हम लोग जो बात कर रहे होंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई एनिमेशन इज रिक्वायर्ड, बेसिकली दीज फोर फाइव मेन पार्ट्स। तो एक तो हम लोग देख रहे होंगे कि क्यों एनिमेशन की ज़रूरत होती है, कैसे उसको एजुकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उसकी भी बात करेंगे। देन हम बात करेंगे व्हाट इज एनिमेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन, एंड द स्टेप्स टू डिजाइन एन एजुकेशनल एनिमेशन। एंड देन वील हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। और क्वेश्चन आंसर सेशन के अलावा मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों के जो भी सवाल हो, आप लोगों का कुछ भी अगर आप लोग पूछना चाहें, कुछ भी अगर आप लोग हमें बताना चाहें, तो आप जरूर बताइएगा। दिस इज इट विल बी रियली नाइस इफ वी हैव इट इफ वी मेक इट एन ओपन सेशन। ओपन सेशन का मतलब है कि आप लोग बिल्कुल, आप पूरी तरह से, दिस हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन। मैं यहाँ से कुछ कुछ बताऊंगा और आप भी उसके ऊपर जवाब दीजिए, उसके ऊपर पूरी तरह से पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कुछ आपको लगे गलत है तो जरूर बताइएगा, हम लोग विल हैव अ डिस्कशन ओवर इट। एंड एक चीज़ है कि एनिमेशन इज नॉट, इट्स नो रॉकेट साइंस। यू सी, टीवी एनिमेशन फिल्म्स ये हमारे आसपास रही हैं काफ़ी टाइम से, अब एक दो जनरेशन से हिंदुस्तान में भी हैं। तो हम लोगों ने, सब ने एनिमेशन्स बचपन से देखी हैं, तो हमें सब कुछ, आधी चीज़ें जो हम बता रहे होंगे हमें ऑलरेडी, हमको पता होंगी। हम केवल उसका थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स वाला पार्ट बता रहे होंगे, वो भी आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हमारे साथ में बेयर कीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें हम जो बताएं वो थोड़ी सी बहुत पुरानी हो, बहुत पहले आपने स्कूल में पढ़ी हो, बट वील स्टिल गो ओवर इट। एक बार हम लोग उसको, फिर भी हम लोग उसको विल गो थ्रू दोज थिंग्स। नेक्स्ट थिंग, नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाई एनिमेशन इज रिक्वायर्ड, राइट? तो अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से एनिमेशन की क्या ज़रूरत होती है, क्यों एनिमेशन की ज़रूरत होती है। लेट्स हैव, इसके लिए हम लोग, अगर इफ़ वी कैन स्पेंड 10 सेकेंड्स, और वी कैन स्पेंड 30 सेकेंड्स और सो, तो
तो अगर आप लोग चैट पे मुझे बताना चाहें कि क्यों एनिमेशन की जरूरत होती है, तो आप मुझे बताइएगा। यस, बेटर अंडरस्टैंडिंग टू इन्वॉल्व ऑल सेंसेस, इंटरेस्ट, यस, टू मेक द स्टोरी लुक रियल, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, यस। हाँ, तो देखिए दो तीन चीजें हैं, आई टेल यू व्हाट आई फेल्ट। तो इसमें एक तो है कि इट लाइटन्स द मूड, है ना, कि जैसे सब लोगों ने बताया कि मूड को लाइट करता है और हमें पढ़ने में देखने में आसानी हो जाती है, बिकॉज ये दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ कन्वेंशन कि हमने बचपन से जो है एनिमेशन में हमने मोस्टली वही देखी हैं, हमने कार्टून्स ही देखे हैं, हमने लाइट हार्टेड चीजें देखी हैं, तो वो एक हम उससे एसोसिएट उसी तरीके से करते हैं। एक तरीका है, एक एक रीजन है कि इट अट्रैक्ट्स अटेंशन वेरी इजीली, इट अट्रैक्ट्स अटेंशन बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं जो कि नॉर्मली हमें नहीं देख पाते, तो हमें इसलिए हमारा अटेंशन बहुत आराम से इस पे बहुत उससे आ जाता है। एक रीजन है कि इट इज, यू नो, इट इज एनिमेशन कैन बी, यू नो, इट कैन बी सीरियस ऑल्सो एंड इट इज कंप्लीटली एजुकेशनल एनिमेशन भी बनती हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको शूट करना मुश्किल होता है, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे जिनमें स्केल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वॉर है। अब आपको अगर लड़ाई दिखानी है, अब आप बड़े स्केल पे आप दिखा रहे हैं, अगर आप शूट करने जाएंगे तो कितना खर्चा होगा उसका, तो वहाँ पे इस किस्म के टॉपिक्स जो प्रैक्टिकल नहीं है शूट करना, मगर हमें उन्हें डिपिक्ट करना है, तो वहाँ पे हम एनिमेशन का सहारा ले सकते हैं। एंड देन फाइनली एक चीज़ जो मुझे समझ में आई थी, वो दैट वाज कि फैंटेसी बेस्ड सिचुएशंस, जो हमारी कहानियाँ होती हैं, जो फैंटेसी बेस्ड कहानियाँ होती हैं, जो मैथोलॉजिकल कहानियाँ होती हैं, तो दे आर डिपिक्टिंग अ रियलिटी विच इज, यू नो, यू कैन कॉल इट अ हायर रियलिटी और अ डिफरेंट रियलिटी। तो बिकॉज इमेजिनेशन इज ऑल्सो इन अ वे इट इज रियल समवेयर, तो उनको, उनके थ्रू जो चीज़ें हम बता रहे हैं उनको डिपिक्ट करना, वहाँ पे हमें एनिमेशन की मदद मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लोगों ने दिए हैं। और यस, समबडी हैज सेड ह्यूमन ब्रेन इज कंफर्टेबल विद ग्राफिक्स एंड वीडियोज, विच इज सो राइट। यस, सो नाउ लेट्स सी, अब हमने एनिमेशन के बारे में इतना कुछ समझा, मगर एनिमेशन होता क्या है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि एनिमेशन होता क्या है? एनिमेशन हम लोग बहुत तरीकों से, एनिमेशन इज पार्ट ऑफ द राइट ब्रेन, विच इज सो राइट, बिकॉज हम लोग के दिमाग की, जैसे हम सबको पता है कि दो हिस्से होते हैं, जैसे लॉजिकल साइड विच इज द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज आर्टिस्टिक साइड। बहुत बढ़िया, सो व्हाट डू यू मीन बाय एनिमेशन? एनिमेशन आई विल टेल यू, एनिमेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन वीडियो फॉर्म, इट इज अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज परफेक्ट, इट इज अ वेरी गुड आंसर, इट इज इन द बेसिक, इन द मोस्ट फंडामेंटल वे इट इज अबाउट मूविंग थिंग्स। सो एनिमेशन में हम लोग समझते हैं कि कार्टून्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, मूविंग पिक्चर्स होती हैं, तो एनिमेशन क्या होता है? लेट्स सी, एनिमेशन इज अ मेथड इन विच फिगर्स आर मैनिपुलेटेड टू अपीयर एज मूविंग इमेजेस, कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर अगर हमने स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को हमने हिलता डुलता अगर हम दिखा देते हैं, तो टेक्निकली वो एक एनिमेशन है। विजय कुमार जी लिख रहे हैं कि एनिमेशन एक चलचित्र के रूप में होता है जो हमें वास्तविकता से परिचय कराते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, तो एनिमेशन कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही होती है तो वो एनिमेशन उसको कहा जा सकता है, पर क्या किसी भी चीज़ को मूव करें तो क्या वो एनिमेशन होती है? तो देखिए एनिमेशन जो है वो, और फिल्म्स जो हैं, ये एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं जिसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। होता क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये सबने, कि हमारे आँखों में जो है एक, ये देखिए ये हमारे आँख का स्ट्रक्चर होता है, इसमें यहाँ पर लेंस है और यहाँ पीछे रेटिना है जो कि स्क्रीन है, और ये जुड़ा हुआ होता है ऑप्टिकल नर्व से जो हमारे दिमाग पे जाती है। तो जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी एक इमेज बनती है, और वो इमेज हमारे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे दिमाग पे जाती है, और फिर हम उसको वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो ये जो इमेज होती है ये ना तो परमानेंट होती है ना टेम्प्रेरी होती है। परमानेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि हमेशा तो रहती नहीं है, उसके बाद में सामने कोई और चीज़ आ जाती है,
और टेम्परेरी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रहती है, वो थोड़ी देर जो है बहुत कम होती है, दैट्स अबाउट 1/10 और 1/15 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड के 15वें हिस्से तक या 10वें हिस्से तक ये इमेज हमारे दिमाग पे, हमारे रेटिना पर रहती है। अब उस दौरान, अगर उस छोटे से समय के दौरान अगर हम एक और इमेज दिखा दें जो पिछली इमेज से बस थोड़ी सी ही अलग है, लगभग वैसी है पर हल्की सी अलग है, तो हमें लगता है कि जो पहली वाली चीज थी वो हिल के दूसरी जगह पे पहुंच गई। मतलब हम एक इमेज दिखाएं, हमने यहाँ पर एक ये एक एक शेप दिखाई, उसके बाद में जैसे ही जब वो शेप फेड आउट हो रही है, हमने सडनली दूसरी इमेज दिखा दी और इस तरीके से हमने तीसरी इमेज दिखा दी। तो जब हम इसको तेजी से दिखाएंगे एंड वी रिपीट दिस प्रोसेस, हमारा दिमाग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेगा जैसे ये शेप मूव कर रही है। ये प्रिंसिपल जो है, ये सिद्धांत जो है, ये एक बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बेस पर सारी एनिमेशन और सारी फिल्म्स बनाई जाती हैं। अभी किसी ने बताया है कि ये 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है, मेरे ख्याल से इससे कम होता है, मतलब इट्स एक्चुअली अबाउट 1/10। अब तो कहते हैं कि और भी कम हो रहा है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है 1/8 तक पहुंच चुका है, बहुत ही कम होता जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली एनिमेशन इन सिंपलेस्ट टर्म्स, और इसको यूज करके एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज बनाई जाती है, विच वॉज एक्चुअली विच प्रीडेट्स फिल्म से पहले इस चीज को बनाया गया था, एंड दैट वॉज, आप देखिए पहले, देन वील टॉक अबाउट इट। इट्स एक्चुअली अ स्मॉल बुक, एक छोटी सी किताब है जिसमें हर एक पन्ने पर हमने एक इमेज, हमने नहीं, मैंने कहीं से ली है, ये एक वीडियो है जिसके अंदर एक छोटी सी किताब है, उसके अंदर एक एक इमेज है, अगली इमेज थोड़ी सी अलग है, उससे अगली इमेज थोड़ी सी अलग है, तो जब इसको फ्लिप करते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखती है। आप देखिएगा इसको, देन वील डिस्कस अबाउट इट। सॉरी, ध्यान से देखिएगा, ये एक अंगूठा है, किसी ने इस किताब को पकड़ा हुआ है और उसके बहुत सारे पन्ने हैं, ये वो पन्नों को फ्लिप किया जा रहा है। यस, सो दिस वॉज अ फ्लिप बुक, इसको फ्लिप बुक कहते हैं, एंड फ्लिप बुक इज अ कॉन्सेप्ट विच एक्चुअली ये एनिमेशन फिल्म्स बनने से भी पहले बननी शुरू हुई थी। सो वी कैन एक्चुअली से कि एनिमेशन इंडस्ट्री जो है वो फ्लिप बुक से कहीं ना कहीं शुरू हुई थी। इसके अंदर बेसिकली दीज आर ऑल स्केचेस, और ये ध्यान रखा गया है कि हर एक स्केच जो है वो पिछले स्केच से केवल हल्का सा ही फर्क है। ये देखिएगा, जैसे अब बिल्कुल बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही फर्क है, अब ये देखिए। और इसके अलावा इसमें आपने एक और चीज नोट की होगी कि इट वाज नॉट ओनली जस्ट दीज स्केचेस, देयर वाज आल्सो समथिंग आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच वाज द साउंड। तो इसमें जो है एक कुछ आवाज भी आ रही थी, और वो आवाज के साथ में कुछ, उसमें कुछ तो ह्यूमन आवाज थी, इसको वॉयस कहते हैं, और कुछ उसमें साउंड इफेक्ट्स थे। तो ये सब आप लोगों को आई थिंक रेडियो वाले सेशन में भी और डिटेल में भी बताया गया था कि कैसे आवाज़ को मैनेज करना है, तो उसको भी हम यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बेसिक बेसिक हम समझेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस। सो देर इज 2D एनिमेशन, देर इज 3D एनिमेशन, एंड देन देर इज एक इवॉल्विंग फील्ड है जो अभी अभी निकला है, अभी अभी मतलब पिछले 3-4 साल में निकला है, और वो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं।
इट इज कॉल्ड न्यू मीडिया। इसको न्यू मीडिया के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आता है, तो इनके बारे में अभी हम बात करेंगे सबके बारे में, और टाइम मिला तो आपको थोड़ा सा ऑगमेंटेड रियलिटी का एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। तो 2D एनिमेशन क्या होता है? सो व्हेन वी से 2D, इट इज एक्चुअली व्हाट वी मीन इज डायमेंशन, टू डायमेंशंस, एंड वी हैव ऑल स्टडीड दिस इन स्कूल। सो डायमेंशन इज एक्चुअली कि इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ मूवमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ पॉइंट टू मूव। अगर हम ये समझें कि एक पॉइंट है और वो कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं कि एक जीरो डायमेंशनल सिस्टम है। अगर हम ये बोलें कि वो पॉइंट जो है वो केवल एक लाइन में या आगे या पीछे जा सकता है, जैसे एक रेलगाड़ी है वो दिल्ली से अगर बॉम्बे जा रही है, तो यहाँ वो पटरी पर ही रहेगी, या आगे जाएगी या पीछे जाएगी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है केवल एक ही है उसके पास में, तो इसको वन डायमेंशनल सिस्टम कहा जा सकता है मैथ्स में। टू डायमेंशनल सिस्टम इज अ प्लेन, इट इज लाइक अस, जैसे हम जमीन पर हम लोग चलते हैं, हम आगे पीछे जा सकते हैं और हम लोग लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, तो वो टू डायमेंशनल सिस्टम है। और जो बर्ड्स होते हैं वो ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, तो वो थ्री डायमेंशनल सिस्टम है। तो जो एनिमेशन फिल्म्स में जो चीज़ें हमने बताया ना कि जो मूव करती हैं, जैसे वो शेप्स हमने देखी थी ये वाली, तो ये शेप अगर ये केवल लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे ही जाए, तो उसे कहते हैं टू डायमेंशनल फिल्म, टू डायमेंशनल एनिमेशन फिल्म। और अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि वो आगे पीछे भी जा सके, मतलब जेड एक्सिस जिसे कहते हैं, डेप्थ में भी जा सके, हमसे दूर और हमसे पास भी जा सके, स्क्रीन के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा रही है और हमसे दूर और पास भी जा सके, तो उसे कहेंगे थ्री डायमेंशनल एनिमेशन। अब ये हमने देखा कि 2D एनिमेशन में इट इज एन एनिमेशन फिल्म इन विच इन्वॉल्व्स फ्लैट कैरेक्टर्स मूविंग ऑन अ 2D कैनवस। इसमें दो चीज़ें हैं कि कैरेक्टर्स भी फ्लैट हैं, उनमें डेप्थ नहीं है, और उनका कैनवस जो उनका मूवमेंट का जो एरिया है वो भी 2D है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हमने देखे थे, ये हमने एक अशोक कुमार वाला एग्जाम्पल देखा था। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, इस फिल्म में ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली स्केचेस, दे आर फ्लैट। अगर मैं सडनली आपको बोलूं कि ये इस आदमी को दिखाइए कि दूसरी तरफ से कैसा दिखता है, तो हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का हमारे पास में कुछ है ही नहीं, हमें वो फ्रेश बनाना पड़ेगा। या जैसे अगर ये घोड़े के पीछे क्या है, हम वो नहीं दिखा सकते। ये 2D एनिमेशन की लिमिटेशंस है। ये भी एक और 2D एनिमेशन का एग्जाम्पल हमने देखा था। तो इसके अंदर ऑल ऑफ दीज, अब इसमें डेप्थ का एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इसको हमें पास दिखाना चाह रहे हैं, इस व्यक्ति को जो सबसे राइट में बैठा है, तो इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसका स्केल बड़ा कर दिया। ऐसा ही एक आदमी बहुत पीछे बैठा हुआ है ब्लू शर्ट पहन करके, तो उसको छोटा कर दिया। तो ये छोटा और बड़ा करने से स्केल का हम एक इसका स्केल चेंज करने से हमें डेप्थ का एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मगर कंप्यूटर की मेमोरी में दे आर ऑल इन द सेम प्लेन, राइट? सो दिस इज 2D एनिमेशन। 3D एनिमेशन जो होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी थ्री डायमेंशनल होते हैं और उनका कैनवस भी थ्री डायमेंशनल होता है। अब थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ? थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर का मतलब हुआ कि वो कैरेक्टर को कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी में जब बनाया, तो कंप्यूटर ने उसके सारे के सारे पार्ट्स को क्रिएट किया है, उसके आगे का, पीछे का, उसके हर एक चीज को। एक छोटी सी 3D फिल्म देखते हैं, देन वील बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर। एक छोटी सी एक फिल्म आप देखिएगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, इस कैरेक्टर के जो ये जो शेप्स हैं, जिनको ये बाल जैसा दिखाया गया है, या जो हाथ हैं, ये इनके आगे और पीछे दोनों चीजें, इसका पूरे की पूरी गोलाई, इसकी पूरी की पूरी गोलाई में इस शेप को कंप्यूटर की मेमोरी में बनाया गया है, ठीक है? इस शेप को पूरा का पूरा कंप्यूटर की मेमोरी में बनाया गया है। और इसमें फिजिक्स में जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं, तो उसका जो रंग होता है वो उसके अपने रंग पे भी डिपेंड करता है, और उस पे जो रोशनी पड़ रही है वो रोशनी किस तरह से उससे इंटरेक्ट कर रही है, किस एंगल से आ रही है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो
तो उसी तरीके से एक फिजिक्स का सिस्टम बना दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर 3D एनिमेशन में, जिससे हमें ये शेडिंग्स, ये शेड्स मिलते हैं। इसके जो चेहरे की गोलाई है वो जो शेड्स आ रहे हैं, और इसके बॉडी के जो ये शेप, इसकी गोलाई जो आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि जो लाइट इस पे पड़ रही है वो इट इज़ इंटरेक्टिंग विद द शेप, एंड कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है। जहाँ कम होती है वो हमें शेडो जैसा दिखता है, एंड बिकॉज आर आइज ऑल्सो दे वर्क इन द सेम वे, आर ब्रेन एंड आर आइज इन द रियल वर्ल्ड, असली दुनिया में भी हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, तो हमें लगता है कि ये असली दुनिया की जैसा ही कुछ है। सो दिस इज अ 3D एनिमेशन। नाउ एक चीज और होती है कि एनिमेशन में जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम साथ में ये भी देखते हैं कि एक तो हमने देखा था कि 2D और 3D एनिमेशन होती है, ये दो किस्म की हमने समझी थी ना, इसी तरीके ये वाली जो हमने देखी थी कि 2D, 3D और न्यू मीडिया। एक चीज और है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं एनिमेशन को, जिसकी आगे जाकर के एक रेफरेंस आएगा, वो है कि एनिमेशन का सब्जेक्ट क्या है, क्या उसके सब्जेक्ट में हम कहानी बता रहे हैं। सो इफ अगर हम कहानी बता रहे हैं तो देन इट इज अ कैरेक्टर बेस्ड फिक्शनल एनिमेशन, एंड अगर हम उसमें इंफोग्राफिक्स बता रहे हैं, इंफोग्राफिक्स या स्टेटिस्टिक्स या कोई नंबर्स इस किस्म की चीज बता रहे हैं, तो उसको हम इंफोग्राफिक या नॉन फिक्शन बेस्ड एनिमेशन कह सकते हैं। आप जब एजुकेशन में बना रहे होंगे आपको दोनों किस्म की एनिमेशन बनानी पड़ सकती हैं, जो इन्फोग्राफिक बेस्ड एनिमेशन होंगी आपको उसके अंदर, अगर आपको कोई सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं, अगर आप कुछ टॉपिक्स बता रहे होंगे तो वहाँ पर आप बना रहे होंगे, और अगर आपको जो है दिखानी है कुछ ऐसी फिल्म जो कि जिसमें आप कोई कहानी बता रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कैरेक्टर बेस्ड एनिमेशन दिखा रहे होंगे। तो अभी हम बात करेंगे 2D एनिमेशन में, एक सेकेंड लीजिएगा बस। सो वी विल नाउ बी टॉकिंग अबाउट 2D एनिमेशन की पाइपलाइन। सो व्हेन आई से पाइपलाइन, व्हाट आर इट व्हाट यू मीन इज कि हम क्या क्या हम उसमें जो है प्रोसेसेस फॉलो करते हैं 2D एनिमेशन को बनाने के लिए। तो इसमें बेसिकली तीन हिस्से, तीन तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। देर इज अ प्री प्रोडक्शन फेज, देर इज अ प्रोडक्शन फेज, एंड देर इज अ पोस्ट प्रोडक्शन फेज। तो प्रोडक्शन तो है जब वो एक्चुअल में फिल्म बनती है, जिसके अंदर प्री प्रोडक्शन की उसकी तैयारी, पर इस इनमें एनिमेशन के उसमें जो तैयारी है वो भी इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन ओनली, मतलब वो तैयारी अलग से नहीं होती है। तो तैयारी में हम, अगर हम फिक्शन बेस बना रहे हैं तो हम सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट नोट तो बनाना ही पड़ेगा ना कि हमारा एम क्या है, हमारे हमारे हम उसमें हम शायद लिखेंगे कि हमारा क्या कहते हैं, हम किसके लिए फिल्म है, उसमें हमारी ऑडियंस कैसी है, हमारी ऑडियंस को हम किस टोन में हम उनसे बात कर रहे होंगे, इस किस्म की चीज़ें हम कॉन्सेप्ट नोट में लिख रहे होंगे। फिर उसको ट्रांसलेट करके एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है। स्क्रिप्ट इज समथिंग जैसे जैसे एक ड्रामा या थिएटर की जो स्क्रिप्ट होती है, या किताबों में जैसे हमने कहानियाँ जो हम लोग पढ़ते हैं उसी किस्म की होती है, मगर इसमें थोड़ा सा बस ध्यान ये रखा जाता है कि इसमें केवल इतना सा ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही होंगी एनिमेशन में, उनका खास तौर पे उनका ध्यान रखते हैं। तो वो स्क्रिप्ट होती है, आपको अभी आगे चल करके मैं एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट के बाद में अगर हमारी फिक्शन बेस्ड एनिमेशन है, तो फिक्शन बेस्ड एनिमेशन में हम ये देखते हैं कि उसमें हम कितने कैरेक्टर्स हो रहे हैं और उन कैरेक्टर्स का हम डिज़ाइन बनाते हैं। कैरेक्टर्स का डिज़ाइन बनाते समय ये चीज़ देखी जाती है कि वो कैरेक्टर्स जो हैं, जो अगर हम फिक्शन बेस्ड बना रहे हैं और वो एजुकेशनल वीडियो है, तो हम ये चाहेंगे कि वो कैरेक्टर्स जो हैं वो लोगों को, लोग उनसे आइडेंटिफाई कर सकें, उन्हें कुछ कुछ अपने जैसे दिखें, अपनी जैसी कहानियाँ, उनके जैसा माहौल हो, ताकि उन्हें वो चीज़ें समझ में आए। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगेंगी जिसमें अगर कोई कैरेक्टर हम कोई ऐसी कहानी बता दें जो कि वो बच्चे जैसी ही हो, तो उसको इतनी पसंद आती है वो कि वो उसी में ही जीने लग जाता है। सो दैट इज़ वाई, दैट इज़ हाउ कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। कैरेक्टर डिज़ाइन के बाद में स्क्रीन प्ले बनता है। स्क्रीन प्ले इज समथिंग लाइक स्क्रिप्ट ओनली, पर उसमें फिर और डिटेल में हम उसमें शॉर्ट्स पे उसको डिवाइड कर देते हैं,
एंड देन उससे बनता है एक स्टोरी बोर्ड. स्टोरी बोर्ड इज समवट लाइक अ कॉमिक स्ट्रिप. इट इज लाइक अ कॉमिक कि वो पूरी पूरी फिल्म कैसे बन रही है. दैट इज एक विजुअल एक मीडियम है उसको विजुअलाइज करने का पूरी की पूरी फिल्म को बनाने से पहले. ये बनाने के बाद में फिर एक्चुअल जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर हम जो वीडियोस हैं उनके बैकग्राउंड पहले बनाते हैं, विच इज जैसे इनके इस केस में ये जो पीछे के जो बैकग्राउंड्स हैं, ये जो पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ हैं, इन सबको बनाया. उसके बाद में ये कैरेक्टर्स को अलग से बना करके एक एक कैरेक्टर को प्लेस किया गया, उनके शेडोज, उनकी सारी सारी चीज़ों को लगाया गया. एंड देन वी एक्चुअली एनिमेट देम. हम उनको एनिमेट करते हैं कैरेक्टर्स को, कैरेक्टर एनिमेशंस. तो एनिमेशन में हम कैरेक्टर्स में मूवमेंट्स डालते हैं, उनके हाथ पांव गर्दन आगे पीछे, उनको हिलाना डुलाना ये. एंड देन देर आर सम सेकेंडरी एनिमेशन. सेकेंडरी एनिमेशन जो हैं वो ऐसा होता है कि हम लोग सभी लोग जब कुछ मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा मुंह हिल रहा है मगर मेरे हाथ भी हिल रहे हैं साथ में. तो दीज आर सेकेंडरी एनिमेशन. ये उन कैरेक्टर्स को जिंदा करते हैं. हम एक्चुअल में जब हम ऑब्जर्व करते हैं हर किसी को कि हम लोग के कुछ कुछ चीजें कुछ. सर, आर यू आल्सो शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ? यस, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. इज इट नॉट विजिबल? नो, इट इज नॉट विजिबल. ओके ओके, जस्ट वन सेकंड. Is it better now? Can you see this the screen now? Yes, sir, we can. Okay. तो काफी देर से नहीं दिख रही थी क्या स्क्रीन? कुछ लोगों का अभी अभी मैसेज आया है कि स्क्रीन नहीं दिख रही है. अच्छा अच्छा. So मैं क्विकली I'll just take you to this slide. So I was saying कि जब हमने बैकग्राउंड एनिमेशंस बनाई थी तो ये पीछे के जो सारे के सारे सेटअप से इनको पहले बनाया गया. उसके बाद में ये कैरेक्टर्स को दिखाया गया, कैरेक्टर्स की एनिमेशंस दिखाई गई जिनके इनको इनका एनिमेट किया गया, उनके हाथों को, पाँव को और उनके गर्दन को और जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें. सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी एनिमेशंस. एंड देन सेकेंडरी एनिमेशंस आर एडिट जिसके थ्रू हम उन कैरेक्टर्स को वी मेक देम मोर लाइफ लाइक. हम उनको जिंदा करते हैं, विच इज़ की अब वो अगर बात करें तो सडनली उसका हाथ हिल जाएगा या सडनली उसको कोई मक्खी आ गई तो उसी गर्दन हल्की सी मूव करेगी, इस किस्म की चीज़ें. सो दीज आर सेकेंडरी एनिमेशंस. सेकेंडरी एनिमेशंस के बाद में ऐड की जाती हैं बैकग्राउंड एनिमेशंस. दीज आर एडेड टू मेक द सीन लुक अलाइव. इसके अंदर हम पीछे कहीं बर्ड हिल गया, पीछे पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें. उसके बाद में ऑल ऑफ दिस इज पुट टुगेदर एंड इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड कंपोजिटिंग. उसमें इन सब चीज़ों को डाला जाता है. Now these are all technical and very very specialized, you know, professions I would say. कि जो कंपोजिटर होता है वो केवल कंपोजिटिंग करता है, जो एनिमेटर होता है वो खाली एनिमेशन करता है, जो सीन डिज़ाइन करता है वो केवल उसको मैट पेंटर कहते हैं, वो खाली सीन्स ही बना रहा होता है. तो इन सब को जोड़ करके एक वीडियो बनता है. उसके बाद में हम जाते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में. पोस्ट प्रोडक्शन में डायलॉग्स रिकॉर्ड होते हैं. पहले कई बार होता है कि जो डायलॉग्स हैं वो जो फाइनल डायलॉग्स रिकॉर्ड होने से पहले रफ डायलॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, उसके बेस पर एडिट किया जाता है. एडिटिंग का मतलब है कि सिंगल सिंगल शॉट्स को जोड़ करके एक वीडियो बनाया जाता है, उसमें साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक ये सब बना करके फिर एक फाइनल फिल्म बनाई जाती है, जिसको मास्टरिंग मतलब उसको फाइनली हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं. हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आई थिंक ऑडियो में भी पढ़ा होगा. तो एक्सपोर्ट मतलब उसको हम सिस्टम से बाहर निकालते हैं. इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल फाइल विच द यूजर कैन प्ले. यही चीज जब 3D में आ जाती है तो 3D में थोड़ा सा फर्क हो जाता है. 3D के अंदर प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन तो सेम रहता है, मगर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर हमें ऑल ऑफ दीज मॉडल्स, जो हमने ये वाला मॉडल जो देखा था, सो ऑल ऑफ दिस फॉर एग्जाम्पल दिस मॉडल, दिस इज क्रिएटेड इन द 3D स्क्रीन, इन द 3D सिस्टम. इसको कहते हैं मॉडलिंग, इस प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग कहते हैं. मॉडलिंग के बाद में इसमें टेक्सचरिंग की जाती है. टेक्सचरिंग का मतलब है कि उसके अलग अलग जो उसकी जो स्किन्स हैं अलग अलग पूरे के पूरे उसके बॉडी की जितने सरफेसेस हैं वो कैसे लाइट से इंटरेक्ट करेंगी, ये कंप्यूटर को बताया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
टेक्सचरिंग के बाद में रिगिंग होती है. रिगिंग के अंदर जो है, रिगिंग के अंदर हम उसमें बोन्स डालते हैं. हम कंप्यूटर को बताते हैं कि जब इसको हम मोड़ने के लिए आपको बोलेंगे, जब हम एनिमेट करेंगे, तो ये ऐसे मोड़ सकता है, सडनली ये पीछे नहीं जाएगी उंगली. तो हम हर एक बोन कौन सी कहाँ से कितनी मुड़ सकती है, ये प्रोसेस रिगिंग का होता है. उसके बाद में उसका एनिमेट किया जाता है. एनिमेशन के बाद में उसमें लाइटिंग की जाती है. लाइटिंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत ही स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है. और लाइटिंग के बाद में उसको रेंडर किया जाता है. रेंडर इज व्हेन ऑल ऑफ दिस इज यू नो कंप्यूटर एक्चुअली एग्जीक्यूट्स ऑल दीज आर ऑल बेसिकली कंप्यूटर की कौन कमांड्स दे रहे हैं. कंप्यूटर उनको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको रेंडरिंग कहते हैं. और जो हमने परसिस्टेंस ऑफ विजन में समझा था, तो हम एक सेकेंड में नॉर्मली हमें 25 इमेजेस बनानी होती हैं. उनको हम फ्रेम्स कहते हैं टेक्निकल भाषा में. तो 25 फ्रेम्स अलग 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 बनाते हैं. तो उनको जब एक के बाद एक प्ले किया जाता है तो वो एक सेकेंड का वीडियो बनता है. सो ऑल ऑफ दीज फ्रेम्स समटाइम्स जब बहुत फोटोरियलिस्टिक एनिमेशन बनती हैं, तो एक एक फ्रेम को एनिमेट करने में इट कैन टेक इवन अप टू 5 to 10 minutes ऑल्सो. 10-10 मिनट उसको रेंडर करने में लगते हैं. मतलब सारा कुछ बनने के बाद में केवल 10 मिनट, केवल कंप्यूटर एक इमेज को डिसाइड कर रहा है कि उसको बना रहा है कि कैसा वो लगेगा. ऐसी दूसरी बनाएगा, ऐसे 25 अगर वो बनाएगा तो एक सेकेंड का वीडियो बनेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंडरिंग. एंड देन फाइनली जो पोस्ट प्रोडक्शन है, दैट इज सेम. नाउ हमने एक शुरू में वीडियो देखा था, लेट्स री लुक एट अश्व कुमार जो हमने देखा था. तो वील जस्ट एक बार मैं आपको छोटा सा उसको फिर से प्ले कर लेता हूँ. तो देन वील जस्ट सी कि उसको जब बनाया गया था तो कैसे इन प्रोसेस को फॉलो किया गया था. तो उसका एक ये आई जस्ट प्लेइंग इट फॉर रिवीजन. एक बार आप देखिएगा बस ये. तो इस वीडियो को जब बनाया गया था, इस वीडियो के लिए दिस वाज बेसिकली फॉर एजुकेटिंग स्पेसिफिक कम्युनिटीज जो घोड़ों के ऊपर जो काम करते हैं, हॉर्स रीडिंग कम्युनिटीज, उनको घोड़ों को जो जब पालें तो उसकी करेक्ट प्रैक्टिसेस को समझाने के लिए इस एनिमेशन को बनाया गया था. तो उसके लिए करेक्टर बनाने की बात हुई थी जिसका नाम था अश्व कुमार. तो जब इस करेक्टर को बनाया गया तो उसके लिए हमने जब सबसे पहली चीज़ पढ़ी करेक्टर डिज़ाइन, तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ दैट दोज करेक्टर उनको स्केच करके देखा गया था. अब जैसे ना होता है ना कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि हम कैसे कपड़े उसको पहनाए जाएँ. तो यहाँ पे इस किस्म की उसको शर्ट्स पहनाई, ये ट्राउजर्स पहनाए गए जो कि थोड़े से यहाँ से खुले हैं. दीज आर राइडिंग ट्राउजर्स, इनको जोधपुर्स भी कहते हैं ना. तो दीज आर ताकि उसको राइडिंग में आसानी हो. उसके जूते कैसे हो, उसको ड्रेस ऐसी हो कि वो देख करके जो गांव के लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर सके. और फिर उसको एक गमछा दिया गया. तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स बनाए गए. एंड देन उनके ऊपर स्टडी किया कुछ, जो कम्युनिटी के मेंबर्स थे उनको भी दिखाया गया, उनसे बात करके देन इट वाज डिसाइडेड कि कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए वो, कि उसका कुछ ऐसा गमछा हो, इस फलाने कलर का हो, फलाना उसका इस किस्म के कपड़े, उस किस्म के जूते हो. जैसे हमने शुरू में देखा था तो हमने समझा था कि उसे गम बूट्स जैसे हो, पर फिर समझ में आया कि जब ऐसे जूते होंगे तो वो शायद आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. उन्हें लगेगा कि ये तो शहरी इंसान है, ये क्या हमें सिखाएगा. तो उसके जूते इस किस्म के बना दिए गए. तो इस तरीके से फिर फाइनली ये कैरेक्टर इसका डिसाइड हुआ. उसके बाद में बात हुई स्क्रिप्ट की. तो स्क्रिप्ट जो है, इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, तो वो कुछ आपको दिखाता हूँ. वो इस फॉर्म में होती है. ये उसकी एक फिल्म की स्क्रिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा है. तो इसमें आप देखिएगा, इसके अंदर ये तो है उसका डिस्क्रिप्शन, उस सीन का डिस्क्रिप्शन.
मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि अगर जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखा है, एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है जहाँ चारों ओर जानवर बंधे हुए हैं। तमाम लोग आ जा रहे हैं, कहीं लाउडस्पीकर में प्रचार चल रहा है, चारों ओर लोगों और जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। वहीं मेले के एक कोने में दो लोग बात कर रहे हैं। हसन, एक करेक्टर है हसन, करेक्टर्स के नाम को बोल्ड किया गया है यहाँ पे। हसन कह रहा है, क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं, देख ले कोई अपनी पसंद का। हीरा कह रहा है, यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। तभी वहाँ गांव के होशियार चाचा निकलते हैं। अब होशियार चाचा एक नया कैरेक्टर है, बेसिकली इनके थ्रू, ये कॉमेडी कैरेक्टर है तो इनके थ्रू हमने बात की गई, इनके थ्रू तो स्टोरी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। तो तभी वहाँ गांव के होशियार चाचा निकलते हैं और हीरा की बात सुनकर बोल पड़ते हैं। होशियार चाचा कह रहे हैं, क्या अच्छे घोड़े की पहचान, अब चाचा से बेहतर ये कौन बता सकता है। इस तरीके से उन्होंने बताया और इनमें कुछ, इन दोनों ने, हसन और हीरा में कुछ फुसफुसाहट हुई। तो ये एक पूरा का पूरा सीन लिखा गया है, ये पूरा का पूरा सीन लिखा गया है। दिस इज अबाउट 4 to 5 pages, ये लगभग 5 पेज का ये सीन है। अब इस सीन को, ये तो था स्क्रिप्ट के फॉर्म में, इसको जब स्टोरी बोर्ड बनाया गया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए एक सेकेंड, ये तो जब वहां पर एक लाइन थी कि एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है, तो ये पशु मेले का एक एक स्केच बनाया गया। तो इस स्केच में आप देखिए, इसके अंदर डिटेल नहीं है, इस स्केच में डिटेल नहीं है। और इसमें एक चीज और है, यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है, ये एरो जो है ये बता रहा है कि कैमरा लेफ्ट से राइट में मूव करेगा। इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे ये रोड है, मूव करके आगे बढ़ गई। तो एक गांव के पास एक पशु मेला लगा है जहाँ चारों ओर जानवर बंधे हुए हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं, कहीं लाउडस्पीकर का प्रचार चल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा लाउडस्पीकर भी दिखा दिया, ये पीछे भी दिखा दिया। उसके बाद में हम देखते हैं, वहीं मेले के एक कोने में बैठकर दो लोग बातें कर रहे हैं। तो एक नेक्स्ट शॉट जब दिखाया गया तो उसके अंदर ये दो लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, हमने पहले एक एक शॉट बनाया था जिसके अंदर हम हवा से पूरे को देख रहे थे, और अगला शॉट है जिसके अंदर ये दो लोग बैठे हुए हैं, इनको भी हम थोड़ा दूर से देख रहे हैं क्योंकि हम सडनली, अब इसकी एक अपनी पूरा ग्रामर है, एक पूरी लैंग्वेज है फिल्म की। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको इज लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो ये केवल हम आपको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट बहुत डिटेल्ड और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए आप कैसे, पहले हम इसको दूर से देखा, फिर हम थोड़ा सा करीब आए इन दोनों लोगों के पास में, फिर हम और करीब आ गए, हम और करीब आ गए, हमने जो बोल रहा है उसको सामने रखा, दूसरे को साइड से दिखाया इस तरीके से। और इनकी हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी कि जब इस वाले शॉट में, जब हम ऐसा शॉट बना रहे होंगे तो ये डायलॉग्स लिख रहे होंगे, इस तरीके से इसको स्टोरी को आगे बढ़ाया गया। एक जो तीसरा करेक्टर आया था वो तीसरा करेक्टर यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से। जो ये आपस में जो फुसफुसाहट वाली वाली जो डायलॉग है उसके लिए कुछ कुछ ऐसे करके इसको स्केच किया गया। ये सारी की सारी चीजें करने के बाद में फिर हम आते हैं इसके सीन्स, इसके बाद में जो वो हमने जो स्टोरी बोर्ड बनाए थे उनको फिर हमने कलर किया। वो कलर करने के बाद में कुछ ऐसे दिखे, कलर करके इनको एनिमेट किया गया। और एक वीडियो जब बनता है, अब आप देखिएगा इसके अंदर, शुरू में हमने बात की थी कि हम रफ ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रफ ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में वो कैसा सुनाई देता है आप वो देखिए। देन वील सी हाउ ऑडियो रिकॉर्डिंग कैन चेंज इट ऑल्सो। घोड़े की पहचान, अब चाचा से बेहतर ये कौन बता सकता है? सही कहा ना हसन मियां? तो देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो आपने ऑब्जर्व की होंगी। एक तो अब जब हम रुक करके देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये सारे के सारे फ्लैट हैं, दे आर ऑल बेसिकली शेप्स। एंड नाउ दैट वी ऑल्सो नो कि ये जो पीछे का सारा एरिया, ये भी जो डेप्थ है केवल ये नकली डेप्थ है, केवल एक बैकग्राउंड है जिसमें ये दो लोग यहाँ बैठे हैं। ये जो पीछे है ये बैकग्राउंड एनिमेशन है, जो स्केचिंग और वो जो हमने बताया था ना बैकग्राउंड एनिमेशन और सेकेंडरी एनिमेशन, ये वो है।
और ये लोग बात कर रहे हैं, इनकी जो बात है वो ये रफ आवाज रिकॉर्ड की गई थी, डायलॉग रिकॉर्डिंग रफ है ये, जिससे एनिमेशन जो इंसान कर रहा है उसके लिए आसान हो जाए। उसके बाद में क्या सोच में पड़ा है हीरा, देखिए यहाँ तो एक से बढ़कर एक हो रहे हैं, देख ले। और ये पीछे जो ये बर्ड्स उड़ रहे हैं, दीज आर आपके बैकग्राउंड एनिमेशंस, ये उसको सीन को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो एकदम वो पेंटिंग जैसा दिखेगा। अब इसके बाद में जब एडिटिंग हो जाती है तो फिर वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। घोड़े तो बहुत हैं, लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है? सो एडिटिंग, जब मैं बोल रहा हूँ एडिटिंग का मतलब है कि हमने कब हम एक इस वाले शॉट से, जो कि क्लोजअप शॉट है, इससे हम वाइट पे आएंगे, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हम कट करेंगे, ये एडिटिंग का काम है। तो ये एडिटिंग जब उसी डायलॉग्स के ऊपर, उस जो पहले डायलॉग्स रिकॉर्ड किए गए थे उनके ऊपर और जो एनिमेशन की गई थी उसके ऊपर जब एडिटिंग की गई तो ये वीडियो कुछ कुछ ऐसा बन करके तैयार हुआ। उसके बाद में तो बहुत है। इस पे हुआ म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाए गए। म्यूजिक और साउंड इफेक्ट जब लगाए जाते हैं तो वो फिर ये देखिएगा आप, ठीक है। अब वहाँ पे स्क्रीन प्ले में, स्टोरी बोर्ड में एक बात हुई थी कि सुबह सुबह का समय है और मेला है, तो वो सब चीज़ों को अब हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, तो वो साउंड इफेक्ट्स के थ्रू दिखाई गई। ये देखिए क्या सोच में पड़ा है हीरा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक घोड़े हैं। अभी आपने नोट किया हो तो इनकी आवाज़ भी थोड़ी सी और बेटर हो गई, इनकी आवाज़ को अब ये स्टूडियो से ट्रीटेड आवाज़ है और ये आर्टिस्ट की आवाज़ें हैं। पहले रफ आवाज़ थी, अब ये एक्चुअल जो जो ये मिमिक्री आर्टिस्ट हैं उनकी आवाज़ हैं। इनसे आप देखिएगा कैरेक्टर्स में और जान आ गई है। अब सुनिए, कोई अपनी पसंद का, यही तो परेशानी है हसन भाई, घोड़े तो बहुत हैं लेकिन मुझे अच्छे घोड़े की पहचान नहीं है। क्या कहा, अच्छे घोड़े की पहचान? अब चाचा से बेहतर कौन बता सकता है? क्यों, सही कहा ना मैंने हसन मियां, भाई के चक्कर में मत पड़ना, वो बस नाम के ही होशियार हैं, गांव में इनके चर्चे तो तुमने सुने ही होंगे। तो क्या हुआ, कम से कम सही घोड़े की पहचान तो करा ही देंगे। हाँ बेटा, हमसे कुछ कहा क्या? सही समय पर आए हो चाचा, मुझे एक अच्छा घोड़ा खरीदना है, उसकी कुछ पहचान बता दीजिए। अरे बेटा, ये घोड़े भी ना बड़े चालाक होते हैं, इनको बिकने का मन ना हो तो सुस्त लेट जाते हैं, जिससे तुम्हें लगे कि ये तो बड़ा ढीला है। तो उसे ना खरीदो, मेरी राय में जो तुम्हें सबसे सुस्त घोड़ा दिखे उसे खरीद लो, एक तो पैसा भी कम लगेगा और वो तुम्हारे काम भी खूब आएगा। तो देखिए कैसे हमने हमने बेसिकली यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक एक स्टेप पर, जो एक केवल एक टेक्स्ट था, जो कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था स्टोरी स्क्रिप्ट के फॉर्म में, जब हम यहाँ पर थे तो उसमें कुछ भी नहीं था, और कैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ते 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 एक पूरा का पूरा वीडियो तैयार होता है। तो आप लोग भी जब बनाएंगे, जब आप लोग एजुकेशनल वीडियोस जब बनाएंगे तो यही स्टेप्स ही फॉलो कर रहे होंगे, मगर वो थोड़े से बस सिंपल फॉर्मेट में होंगे। आपको इंडस्ट्री स्केल की ज़रूरत नहीं है, आपको उतने स्केल की ज़रूरत नहीं है, उतने उसकी ज़रूरत नहीं है कि हर एक चीज़ उतनी डिटेल में बनाई जाए। एज लॉन्ग एज कॉन्सेप्ट को फॉलो हो रहा है, एज लॉन्ग एज जो है उसकी स्टोरी हमारी टाइट है, हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है, हमारी पेडागॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा सब अपने आप वो अच्छा ही बनेगा। और ये फिर फाइनली पूरा का पूरा जो है वीडियो बन करके तैयार होता है। इसमें आपको आपने देख ही लिया है वैसे तो इसको, बट अगर आप चाहें तो ये कितनी देर का है, पर ये इसका नहीं, हमारे पास में टाइम अभी नहीं है, 4-5 मिनट का है ये तो, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फाइनली। तो इनकी बेसिकली ये इनकी बातचीत के थ्रू, ये जो हमारा कैरेक्टर जो हमने डिज़ाइन किया था अशोक कुमार, ये इनको चीज़ें सिखाता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। के साथ कुछ खेल खेलना चाहता हूँ, वैसे कोई घोड़ा अच्छा या खराब नहीं होता, अगर हम घोड़ों के मन की बात समझ जाएं तो सारे घोड़े अच्छे, और अगर नहीं समझ पाए तो समझो सारे खराब।
मैं अश्वों का साथी, मेरा नाम अश्व कुमार, खेल खेल में आओ समझें अश्वों का व्यवहार। चलिए इन तस्वीरों की मदद से जानते हैं कि हम अपने जानते। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम हर एक कदम पर वीडियो को हम इमेजिन करते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बट लाइक एनी पीस ऑफ आर्ट, कोई भी अगर आर्ट का वो हो तो इट इज़ ओनली एज गुड एज द फाइनली द रिएक्शन दैट इट 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 इज एबल टू गेट, कि उसको कैसा लोग कैसे उसको उसको उससे यू नो मुखातिब हो रहे हैं, उसी किस्म का लोग उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वही फाइनली आपका डिसाइड करेगा कि वो वीडियो अच्छा है या नहीं है। और उसके लिए बहुत सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी प्रोसेस है वो है आपका प्री प्रोडक्शन ही है। ये सारी की सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, ये हो नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने कहानी आपकी अच्छी है, आपके कैरेक्टर्स अच्छे हैं, आपका कॉन्सेप्ट है, आपके उसमें सोल है, आपके कॉन्सेप्ट में आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियर है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और आपके कैरेक्टर्स जिसे कहते हैं ना जिंदा हैं, तो आपका वीडियो अच्छा बनेगा ही बनेगा। वो वीडियो को कैसे बनाना है वो आप लोग अभी आप ये तो सब बनते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और प्रीमियर जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें बनाए गए हैं ये सारे वीडियोस, मगर आप लोग बेसिक बेसिक जो बहुत छोटे छोटे इसमें एप्लीकेशन जैसे स्टॉप मोशन स्टूडियो है और बहुत सारे एनिमेशन हैं, बहुत सारे वो हैं क्या कहते हैं एप्लीकेशन हैं, कुछ एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन भी अगर आप गूगल स्टोर पर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो उनसे भी आप बना सकते हैं, उनसे आप बहुत बेसिक बेसिक स्टॉप मोशन से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं जो कि बेसिक केवल चीज़ों को आप कैरेक्टर्स सोचिए, कैरेक्टर्स को बनाइए और उनको जो बच्चों की जो गुड्डे गुड़ियाँ होते हैं या हाथ से केवल मैचस्टिक स्केच किया हुआ फिगर को भी अगर आप मूव कर करके करके अगर आप एक कहानी पे अगर आपने ध्यान दिया है तो वो डेफिनेटली उसको लोग अच्छे से ही उसको रिसीव करेंगे। एक हमने बात की थी, मैं आपको एक अभी हमारे उसमें थोड़ा ही टाइम है तो मैं आपको जल्दी से एक छोटी सी चीज़ और दिखाना चाह रहा था, विच इज़ जो हमने जब टाइप ऑफ एनिमेशंस की बात की थी ना तब हमने एक कहा था कि ये वाला कि 2D और 3D एनिमेशन होती है, एक हमने न्यू मीडिया की बात की थी तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बात की थी। तो मैं आपको एक छोटा सा ऑगमेंटेड रियलिटी का एक सैम्पल दिखाना चाह रहा था, देन वील जस्ट क्विकली टॉक अबाउट दिस एंड देन वी कैन कंक्लूड, और अगर कोई भी सवाल जवाब है तो बिल्कुल कीप देम कमिंग, ताकि लाइक आई सेड हम लोग जब दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते रहेंगे तो मुझे भी समझ में आता रहेगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। सो कैन आई मेक मेरी स्क्रीन अभी फुल स्क्रीन आपको दिख रही होगी है ना? या सो नाउ यू सी ऑगमेंटेड रियलिटी का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देन वी जस्ट क्विकली टॉक अबाउट इट। सो दिस इज अ टैबलेट, एक टैबलेट है मेरी, नहीं स्क्रीन नहीं, आप मुझे मुझे देख पा रहे हैं ना, अभी स्क्रीन नहीं दिखा रहा हूँ आपको, जो उसमें नोट से जवाब आया था तो उसके जवाब में बता रहा हूँ। सो दिस इज बेसिकली एक टैबलेट है, इज अ बेसिक एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट और इसके अंदर एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में क्या है कि एक ये कैमरा इससे चालू हो जाता है, अभी ये कैमरा क्या करता है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक किताब है, ये एक किताब है जिस जो कि बच्चों की एक बेसिकली एक कार्टून की किताब है जिसके थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं डायनासोर्स का। तो ये एक छोटा सा बच्चा है जिसके सपने में डायनासोर आ जाता है और फिर वो उसको अपनी डायनासोर की दुनिया में घुमाता है। तो इस किताब के साथ में जब हम इस एप्लीकेशन को देखते हैं तो देखिए क्या होता है, मैंने ये किताब को यहाँ पे रखा, इस किताब को ऐसे रखा है और इस एप्लीकेशन से मैं इस किताब को स्कैन करता हूँ, तो इसको स्कैन करता हूँ,
देखिए, जब इसको स्कैन करते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे रख लेते हैं, शायद ऐसा मुझे, ये देखिए, जब इसको स्कैन करेंगे तो ये एक असली का डायनासोर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये डायनासोर ये तभी तक स्क्रीन पर रहेगा जब तक किताब रहेगी। एंड ये देखिए, सी एंड वी कैन एक्चुअली इसको हम चारों तरफ से घुमा घुमा करके देख सकते हैं। देख पा रहे हैं, हम इसको करीब से देख सकते हैं और इसको हम दोबारा से स्कैन किया, इसको मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे आओ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को देख सके, पर एक्चुअली हम इसको ऐसे यहाँ पर रख करके भी देख सकते हैं। देन इट बिकम्स फ्लैट एंड इट कैन एक्चुअली मूव ऑल ओवर द प्लेस, जहाँ पर भी हम इसको चाहेंगे यहाँ पर मूव करता है। उनका सी एंड वी कैन इसको हम कुछ अगर खिलाना चाहते हैं तो ये खिलाएगा। तो देखिए ये खा रहा है, अगर ये रोल करके दिखा रहा है या आवाज करके दिखा रहा है। सो द आइडिया इज कि हम एनिमेशन को यूज करके वी हैव मेड एन एजुकेशनल रिसोर्स, हमने एक एजुकेशनल रिसोर्स बनाया है जिससे हम इस किताब को हमने ऑगमेंट कर दिया, मतलब इसको रियलिटी के साथ में जोड़ दिया। ये जब बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, लाइक समबडी हैज राइटली नोटेड दिस इज बेस्ड ऑन व्यूफोरिया। ये सो व्यूफोरिया इज अ एप्लीकेशन विच इज वेरी इजी टू लर्न। आप इसको ऑनलाइन सीख सकते हैं या आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सिंपल भी नहीं है, बट हाँ सीखी जा सकती है। और जो हमारे मैथ्स बेस्ड जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत आसान हो गई है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो बेसिक बेसिक अगर आपने एनिमेशन जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद में आप व्यूफोरिया एक काम कीजिए। इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बट इट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। उसको आप सीखिए और इसको यूज करके आप बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि इट इज मेड विद यूनिटी सॉफ्टवेयर, इट इज परफेक्ट। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो सी यू ऑलरेडी नो सो मच, तो दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी। एंड यू नो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑगमेंटेड रियलिटी हम लोग जो स्नैपचैट्स आजकल बच्चे काफी यूज करते हैं, तो उसके अंदर जो चीजें हैं कि हम लोग फेस में कुछ बन जाता है, दैट इज व्हाट ऑगमेंटेड रियलिटी इज बेसिकली। नाउ अगेन, टूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज हाउ वी आर यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ वी आर एबल टू ट्रांसलेट दोज कॉन्सेप्ट्स। अभी किसी ने पूछा कि प्लीज सजेस्ट सम गुड एनिमेशन एप्लीकेशन फॉर बिगिनर्स। आई थिंक द मोस्ट बेसिक एनिमेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो तो है स्टॉप मोशन स्टूडियो। स्टॉप मोशन स्टूडियो बहुत आसान है, आप उसको फोन को या कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस को आप एक जगह पर रखिए और उसको उसमें आप सामने फोटोज खींचते रहिए और थोड़ा थोड़ा सा उसको मूव करते रहिए। उनको मूव करते रहिए, आप एक या दो दो वीडियो के अंदर अंदर आप उसके मास्टर बन जाएंगे, यकीन मानिए। आप उसके बाद में उस पर काम कीजिए, आप ऑडियो पे काम कीजिए, म्यूजिक पे काम कीजिए, देर इज जस्ट नो लिमिट। एंड एनिमेशन के लिए जो मीडियम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना उसकी सोल, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कॉन्सेप्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो गिमिक्स में चले जाते हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, यू नो ट्रांजिशंस लगाएंगे, म्यूजिक लगाएंगे, साउंड इफेक्ट, शूंग शांग सब कुछ, मगर उसमें कोई कहानी नहीं होती। तो कहानी नहीं होती तो देखने वाले को उसमें मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। उसको इन स्पाइट ऑफ यू नो उसमें इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर आप उससे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं होता। स्टॉप मोशन जो है मेरे ख्याल से एंड्रॉयड बेस्ड है। एंड्रॉयड बेस्ड बहुत सारे और भी हैं, एंड्रॉयड बेस्ड बहुत सारे और भी एप्लीकेशन हैं। आप सर्च कीजिए, हज़ारों एप्लीकेशन आपको मिल, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों एप्लीकेशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हाउ टू शो बेसिक हेड एंड हैंड मूवमेंट्स, उसके लिए आप वही है कि अगर आप स्टॉप मोशन में ही बना रहे हैं तो आप सबको अलग अलग बनाइए। बेसिकली यू कैन यूज यू नो आप एक एक स्केच कीजिए हाथ और
फेस और ये, और उनको कटिंग कर दीजिए, कैंची से कट कर दीजिए। उसके बाद में आप अपने कैमरे को किसी स्टैंड पर लगा करके और उनमें आप बेसिक बेसिक छोटे 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 मूवमेंट्स करते जाइए और उनको आगे बढ़ाते जाइए। एंड इट इज़ एक्चुअली टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट लाइक आई सेड, जितना उसमें आप मेहनत करेंगे आपको फ़ायदा होगा। दो वीडियोज़ अगर आपने बना लिए, दो या तीन वीडियोज़ बना लीजिए, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये सब सेशंस जो हैं हम लोग केवल आपको शुरुआत करने के लिए हैं, दीज आर ओनली एज यू नो, आपको एक बेसिक हमारा एम है कि आप चलना तो शुरू कीजिए, सफ़र उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पर हाँ, आसान उसके लिए है जो चलता है, और सबसे मुश्किल चलने में क्या होता है, वो होता है उसका पहला कदम। कि पहला कदम उठाना मुश्किल है, पहला कदम उठाइए, दूसरा उससे आसान होगा, तीसरा उससे भी आसान होगा, और आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। ये याद रखिएगा कि हर एक वीडियो में, हर एक कहानी में, हर एक एनिमेशन में, हर एक रेडियो प्रोग्राम में, इट इज़ द सोल विच इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ द कॉन्सेप्ट, इट इज़ द स्क्रिप्ट, कि उसकी जो कहानी, कहते हैं कि कहानी अगर अच्छी हो, कहानी अच्छी हो तो कहानीकार को वीडियो की, फिल्म की ज़रूरत ही नहीं होती। वो कहानी ऐसे सुनाते थे जैसे पहले ज़माने में जो दादियाँ कहानियाँ सुनाती थी, वो उनसे फिल्म का ही वो बन जाता था, फिल्म का ही हमें पूरा का पूरा यू नो लुत्फ़ मिल जाता था। और लोग ऐसे भी होते हैं कि ऐसी मूवीज़ भी आती हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े महंगी महंगी फिल्म बनाई है, मगर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं उसकी, तो वो एकदम बेकार लगती है। सो दैट इज़ वेयर दी सिंपल थिंग्स दे मैटर मोर। सो आई थिंक एनी अदर, आई थिंक हम लोगों ने बड़ा टाइम भी अब खत्म हो रहा है, एंड वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ देयर इज एनीथिंग इन पर्टिकुलर, इफ यू डोंट, I want to use text and diagrams to create an animation for maths. Please suggest some applications which are open source for that. Text and diagrams के तो बहुत सारे applications हैं, इनको जो basically देखिए, अगर आप stop motion से भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप जो है इसके क्या कहते हैं, जो text और diagrams को आप अलग से बना लीजिए और उनको अगर आप एक एक करके भी मूव करते जा रहे हैं, तो उससे भी आपका एनिमेशन बन जाएगा। देखिए सिंपल जो है, एक सॉफ्टवेयर है सिंपल विंडो बेस्ड, एक सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर। ब्लेंडर इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स मतलब है कि वो अवेलेबल है फ्रीली, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, और उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी सिंपल। सो आई वुड सजेस्ट आप पहले बेसिक बेसिक स्टॉप मोशन किसी एक को वो कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए, उस पर कुछ कुछ चीज़ें बना लीजिए, एंड देन यू विल वेरी क्विकली यू विल रियलाइज दैट इट इज सॉफ्टवेयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट ब्लेंडर मेरे समझ में नहीं आया, कौन से सॉफ्टवेयर का नाम मैं चैट बॉक्स में डाल दूँ। एक तो मैंने बताया था आपको स्टॉप मोशन स्टूडियो बताया था, एक ब्लेंडर बताया था, स्टॉप मोशन आई थिंक ब्लेंडर ऑलरेडी लिख दिया है, स्टॉप मोशन भी हमने लिख दिया है चैट में। जी जी, सो अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप चैट में पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। चैट में पूछेंगे तो टाइम कम लगेगा। सर आप कुछ कह रहे थे, पीपीटी इज आल्सो वेरी गुड, यस पीपीटी से डायग्राम्स वगैरह अच्छे से एनिमेट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो अमनदीप सर, पीपीटी सर की ऑलरेडी सीआईटी की वेबसाइट वाले पेज पे है, आप वहां से ले सकते हैं। सर रिगिंग क्या है, इसके ऊपर पहले भी एक दो आया है पॉइंट। रिगिंग ऐसा होता है, देखिए मैं आपको देखिए, सो होता क्या है कि जब आप 3D कोई 3D पाइपलाइन में यूज होती है ये, एंड जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन, देन गो बैक टू द एनिमेशन। सो जब हमने बात की थी, हमने कहा था तीन किस्म की एनिमेशन होती है, हम 3D एनिमेशन में ही यूज़ होती है ये, और 3D एनिमेशन के अंदर पहले, सबसे पहले चीज़ों का मॉडल बनाया जाता है। अब जैसे अगर हमें ये फ़ोन का मॉडल हमने बनाया, तो हम कंप्यूटर को बता रहे होंगे कि ये कैसे एक स्क्वायर बनाइए और उसको थोड़ी सी डेप्थ दे दीजिए, तो ऐसे क्यूबॉइड जैसी एक चीज़ बन जाएगी, दिस इज़ अ फ़ोन। नाउ दूसरी चीज़ उसमें देखेंगे कि अब किस तरीके से द वे दिस इज इंटरेक्टिंग विद लाइट, इसमें जो रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं वो इसमें नहीं दिख रहे होंगे, है ना, ग्लास और प्लास्टिक अलग तरीके से वो करते हैं,
लाइट से इंटरेक्ट करते हैं. सो दैट टू टेल कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड टेक्सचरिंग. हम टेक्सचर बना करके दे रहे हैं कंप्यूटर को, बता रहे हैं कि इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है. रिगिंग में हम उसको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ से मूव कर सकती है. अब अगर हमने एक ये फोन बनाया है और एक हाथ बनाया है, तो हाथ तो यहाँ से मुड़ सकता है, मगर फोन को अगर हम मोड़ दिया तो वो हमारी एप्लीकेशन ही, हमारी एनिमेशन ही बेकार हो जाएगी. तो सो बेसिकली इन वेरी सिंपल टर्म्स, रिगिंग इज एडिंग बोन्स टू द मॉडल. जो मॉडल बनाया गया था, जो मॉडल बनाया था उसमें हमने हड्डियाँ डाल दी. और हड्डियाँ हमें क्या बताती हैं बेसिकली, अगर हम देखें तो हड्डियाँ बताती हैं कि हम कहाँ कहाँ से मुड़ सकते हैं, हमारा बाजू कहाँ से मुड़ सकती है, कहाँ से नहीं मुड़ सकती है. तो वो चीज़, वो प्रोसेस जो है रिगिंग है. बट जैसे मैंने बताया कि ना, ये सारे मॉडलर, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, रिगर, एनिमेटर, लाइटिंग आर्टिस्ट और रेंडरिंग आर्टिस्ट, ये सारे के सारे ये स्पेशलाइजेशन होते हैं. जो लोग 3D की पढ़ाई करते हैं, 3D के कोर्सेज करते हैं, उन्हें पहले ही सारी चीज़ें बेसिक सिखाई जाती हैं. उसके बाद में लास्ट सेमेस्टर या लास्ट के 2 सेमेस्टर में वो केवल एक ही चीज़ कर रहे होते हैं. तो ये दे आर ऑल वेरी स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स. एंड जो मॉडलिंग में स्पेशलाइजेशन करता है उसको भी एनिमेशन शायद उतनी नहीं आती होगी, या जो रिगिंग में करता है उसको शायद लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती होगी. तो इसलिए इनका बेसिक बेसिक अगर हम समझ लें एज अ कॉन्सेप्ट, उतना काफ़ी है. इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है. आपका एज अ यू नो एज एन एजुकेटर, आपका जो वास्ता पड़ेगा वो केवल इतने से पड़ेगा, इस चीज़ से. इन केवल जो फर्स्ट हमने देखा था कि आप कॉन्सेप्ट नोट स्ट्रांग बनाइए, स्क्रिप्ट स्ट्रांग बनाइए, कैरेक्टर्स स्ट्रांग बनाइए, वहाँ पर आप ऐसे डिसीजंस लीजिए कि मुझे, जैसे हमने ये जो बात की थी कि हमें क्यों ये कैरेक्टर चाहिए, क्यों कि ये कैरेक्टर नहीं चाहिए, इसका कलर ये ऐसा क्यों होगा, वहाँ पर अपने जो आपने चूज किया है उसको लुक एट इट विद वेरी क्रिटिकल आई, उसमें आप चेंज कीजिए. आप इन ऑल प्रोबेबिलिटी जब आप एनिमेशन बना रहे होंगे, प्रॉपर बड़ी एनिमेशन जब आप बना रहे होंगे अपनी एजुकेशनल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपके पास में टीम होगी, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेटली हो या जो भी है, वो टीम होगी. ये सब उनका काम है, मॉडलिंग, रिगिंग, ये सब उनका काम है. पर आपका काम है कि जब वो बना करके लाएं तो उसको आप बहुत क्रिटिकली देखिए कि मेरे कॉन्सेप्ट में ये आर्टिस्ट या ये करेक्टर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जो मैं स्क्रीन प्ले या मैं स्क्रिप्ट लिखूँ तो हमें देखें कि क्या कोई एक 4 साल का बच्चा ऐसे बात कर सकता है, क्या एक 80 साल की जो है एक 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 औरत है तो वो कैसे बात कर रही होंगी, 30 साल का बच्चा कैसे बात, 30 साल का आदमी कैसे बात कर रहा होगा. इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें. ये अगर इफ़ वी आर यू नो इफ़ यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, रेस्ट एवरी थिंग इज़ यू नो मैकेनिकल. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, मगर मैकेनिकल हैं, वो हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, आपको करने की ज़रूरत नहीं है उनको. राइट, सो दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड रिविजन ऑन जिगिंग. थैंक यू सर. जैसा मैंने पहले कहा, सो रिगिंग में किसी ने बोला कैन वी से इट इज जॉइंट्स. आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप या तो चैट बॉक्स में डाल दें. हाँ, यस, रिगिंग इज टेलिंग द कंप्यूटर वेयर आर द जॉइंट्स एंड वेयर आर द बोन्स, दैट कैन बी कॉल्ड एज जिगर. एक मैम बोल रही है कि यू हैव ट्रिगर्ड अस एंड वी ऑल बी ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ गुड एनिमेटर नाउ. आप बनिए, बिल्कुल बनिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ दिस सेशन. थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस एंड टेकिंग अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनिमेशन. नाउ वी विल हैव अनदर व्हिच एज यू आर ऑलरेडी